हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडी स्टडी टुडे। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की मंथली क्विज करेंगे, जिसमें मैं आपको जनवरी 2021 के 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। और आप इन सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल ईडी स्टडी टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली व्हिच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ द वन प्लैनेट समिट 2021 held in collaboration with UN and World Bank. So our options are A, India, B, China, C, France, or is it D, Australia? So the correct answer is option C, France. Next question hai, recently in which state or union territory the first ever ice climbing festival was celebrated in नुब्रा वैली? तो आपके ऑप्शंस है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख और इज इट डी सिक्किम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस मिलिट्री कॉन्टिंजेंट विल टेक पार्ट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021? तो आपके ऑप्शंस है ए बांग्लादेश, बी जापान, सी नेपाल और इसे डी रशिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन चोजन एज द कंट्री इन फोकस एट द 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो आपके ऑप्शंस है ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और इसे डी नेपाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील्ड अ न्यू टाइप ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन? तो आपके ऑप्शंस है ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी नॉर्थ कोरिया और इज़ डी साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज अर्न्ड द नेम ऑफ बैट वुमैन फॉर हर पैशनेट रिसर्च इनटू बैट्स एंड वायरसेस? तो आपके ऑप्शंस है ए कार्ल अर्बानी, बी शी जेंगली, सी ली मेंग्यान और इज इट डी वांग यानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शी जेंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज प्रेजेंटेड विद अ सिल्वर साल्वर ऑन बिहाफ ऑफ Chief of Defence Staff General Bipin Rawat on the occasion of Veterans Day? तो आपके ऑप्शंस है ए राज शुक्ला, बी रविंद्र पाल सिंह, सी प्रतिपाल सिंह और इज इट डी सत्येंद्र कुमार सेनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इंडिजिनसली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट प्रूफ जैकेट meant to be used by both female and male combatants? तो आपके ऑप्शन है ए ओम प्रकाश गुप्ता, बी अनूप मिश्रा, सी हरपाल सिंह और डी संतोष कुमार उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनूप मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज कॉन्फर्ड विद स्कॉट चैलेंजर अवार्ड? तो आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इज इट डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021। ऑप्शंस है ए कैटरीना वैसपिंटो, बी नजरत शामीम खान, सी फिलिपो ग्रैंडी और इज इट डी सदरुद्दीन अगा खान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नजरत शामीम खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजेनसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल बाय द डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। ऑप्शंस है ए भीमा, बी अश्मी, सी तनिष्क और इसे डी निर्वाणा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अश्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन द 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हु कॉन्फर्ड द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। आपके ऑप्शंस है ए रजनीकांत, बी बिस्वाजीत चटर्जी, सी दिलीप कुमार और इसे डी अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिस्वाजीत चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन रिसिपियंट। ऑप्शंस है ए सुरेश कुमार, बी मनीष कुमार, सी रणदीप गुलेरिया और इसे डी वीके पॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो आपके ऑप्शंस है ए रोशनी, बी विश्वास, सी निर्भर और इसे डी प्रारंभ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड पीपल सेलिब्रेट द एनिमल फेस्टिवल कनुमा। ऑप्शंस है ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना और इसे डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टाइटल्ड सक्षम। तो आपके ऑप्शंस है ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और इज इट डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द फंड। तो आपके ऑप्शन है ए रुपीज 2500 करोड़, बी रुपीज 500 करोड़, सी रुपीज 1000 करोड़ और इज इट डी रुपीज 2000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रुपीज 1000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज अ न्यू स्नो शू रन एंड इंटरक्शन प्रोग्राम हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपके ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी शिमला, सी कश्मीर और इज इट डी मनाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दैट इज TEPC। तो आपके ऑप्शंस है ए विजय शेखर शर्मा, बी उदित सिंघाल, सी संजय सेठी और इज इट डी संदीप अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमरेश कुमार चौधरी हैज बीन अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके ऑप्शंस है ए संग्राम मेडल, बी पराक्रम पदक, सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन और इज इट डी टेरिटोरियल आर्मी डेकोरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो बाइडेन हैज नेम्ड होम एज द टेस्टिंग एडवाइजर इन हिज COVID-19 रिस्पॉन्स टीम। आपके ऑप्शन है ए विनोद खोसला, बी दिनेश पालीवाल, सी विदुर शर्मा और इज इट डी अजित पाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विदुर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो आपके ऑप्शंस है ए वॉल्टर मर्च, बी जेरेमी थॉमस, सी विटोरियो स्टोरारो और इज इट डी रॉबर्ट रिचार्डसन।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटोरियो स्टोरारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइक एम्बुलेंस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ। ऑप्शंस हैं ए शक्ति, बी रक्षा, सी सुरक्षा और डी रक्षिता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन आर्ट फॉर्म वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्चुअल किक ऑफ सेरेमनी ऑफ बाइडेन हैरिस इनॉग्रेशन। ऑप्शंस हैं ए कलमकारी, बी वारली, सी कोलम और डी मधुबनी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ऑप्शन है ए विक्रम सेठ, बी सलमान रश्दी, सी झंपा लहरी और इज इट डी रामचंद्र गुहा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच टेस्ट सीरीज नासा इज लुकिंग टू कैरी आउट द 8th एंड फाइनल टेस्ट। तो आपके ऑप्शन है ए व्हाइट रन, बी रेड रन, सी ग्रीन रन और इज डी ब्लू रन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रीन रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी टू सीक अ मार्केट डेब्यू। तो आपके ऑप्शन है ए नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया, सी नजारा टेक्नोलॉजी, सी 99 गेम्स और इज डी सिनिस्तान डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नजारा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जू विच हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर बाला साहेब ठाकरे। तो आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ गार्डन एंड जू, बी राजीव गांधी जू, सी महाराज बाग जू और इज इट डी गोरवाड़ा इंटरनेशनल जू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गोरवाड़ा इंटरनेशनल जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो आपके ऑप्शन है ए कोची, बी कन्याकुमारी, सी अलापुझा और इज डी विशाखापट्टनम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अलापुझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कालरव एट दी नागी नकती बर्ड सेंचुरी। तो आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी बिहार, सी राजस्थान और इज डी गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स आर कंडक्टिंग अ बाइलेटरल एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 एट विच सिटी। तो आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, बी रायपुर, सी पटना और इज इट दी अमृतसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी और स्टेट खेलो इंडिया फर्स्ट संस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिगैन। तो आपके ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख और इज इट डी अरुणाचल प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सक्षम। तो आपके ऑप्शन है ए सूर्य क्षमता महोत्सव, बी सुरक्षित क्षमता महोत्सव, सी संरक्षण क्षमता महोत्सव और इज इट डी शुक्रिया क्षमता महोत्सव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी संरक्षण क्षमता महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2021। ए मिशन 2022, न्यू पिलर्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, बी द नेक्स्ट डिजिटल लीप, सी एनेबलिंग द न्यू नॉर्मल और इज डी आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Recently, the Gujarat government has decided to rename which fruit as Kamalam? तो आपके ऑप्शंस है ए कीवी फ्रूट, बी ड्रैगन फ्रूट, सी पोमीग्रेनेट और इज इट डी पैशन फ्रूट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्रैगन फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड. तो आपके ऑप्शंस है ए शिवांगी सिंह, बी अवानी चतुर्वेदी, सी कुंजन सक्सेना और इज इट डी भावना कंत. So the correct answer is option D, Bhavna Kant. Next question hai, recently Joe Biden has sworn in as which president of the United States? So aapke options hai A 44, B 45, C 46 or is it D 47? So the correct answer is option C 46. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड. तो आपके ऑप्शंस है ए रोशन कालरा, बी रोहित ठाकुर, सी वमन सुभा प्रभु और इज इट डी संजीव कुमार. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वमन सुभा प्रभु. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज गॉट द जीआई टैग फॉर गुच्ची मशरूम. तो आपके ऑप्शंस है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गुजरात, सी लद्दाख और इज इट डी ओडिशा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ऑफ झांसी. तो आपके ऑप्शंस है ए आनंदीबेन पटेल, बी योगी आदित्यनाथ, सी डॉक्टर दिनेश शर्मा और इज इट डी केशव प्रसाद मौर्य. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रेलवे मिनिस्ट्री हैज रीनेम्ड विच ट्रेन एज नेताजी एक्सप्रेस. तो आपके ऑप्शंस है ए कोलकाता एक्सप्रेस, बी गांधी एक्सप्रेस, सी हावड़ा कालका मेल और इज इट डी क्रांति एक्सप्रेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हावड़ा कालका मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट टर्म्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स कैटेगरी. तो आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम और इज इट डी उत्तराखंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑनलाइन यूज रेडियो स्टेशन That is Radio Hills, Youngistan ka Dil. तो आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश और इज इट डी त्रिपुरा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिद्धार्था मोहंती हैज बीन इलेक्टेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर डेट इज एम डी ऑफ विच कंपनी. तो आपके ऑप्शन है ए एस बी आई, बी एन एच ए आई, सी एल आई सी और इज इट डी आर बी आई. So the correct answer is option C, LIC. Next question is, recently which player has been appointed as the new captain of the team by the IPL team Rajasthan Royals? So aapke options hai A, Dinesh Karthik, B, Sanju Samson, C, Ankit Rajput or is it D, Steve Smith? So the correct answer is option B, Sanju Samson. So the next question is, Recently, which country has been ranked fourth in the global firepower defense review? तो आपके options है A France, B Japan, C India or is it D Canada? So the correct answer is option C India. Next question है, which state does not celebrate its statehood day on January 21? तो आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर और इज इट डी त्रिपुरा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नागालैंड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली IBF हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंस काउंसिल दैट इज BCCC. तो आपके ऑप्शन है ए विक्रम नाथ, बी रवि रंजन, सी गीता मित्तल और इज इट डी
दीपांकर दत्ता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क रिसेंटली ऑपरेटेड बाय साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दैट इज SECR जोन। तो आपके ऑप्शन है ए जमुना, बी गंगा, सी शक्ति और इज डी वासुकी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो आपके ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी कच्छ और इज डी अमरेली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड शरम शक्ति पोर्टल। तो आपके ऑप्शन है ए रविशंकर प्रसाद, बी शिभू सोरेन, सी अर्जुन मुंडा और इज इट डी थावर चांद गहलोत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच टीम हैज वन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो आपके ऑप्शन है ए ITBP, बी महाराष्ट्र, सी लद्दाख और इज इट डी इंडियन आर्मी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ITBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, दैट इज वहारियो ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम और इज इट डी लद्दाख। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी इन इंडिया। तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और इज इट डी महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दैट इज PMRBP हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो आपके ऑप्शन है ए 25, बी 35, सी 34 और इज इट डी 32। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे ऑन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो आपके ऑप्शन है ए सानवी जोशी, बी अदिति महेश्वरी, सी सृष्टि गोस्वामी और इज डी अनुकृति मिश्रा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सृष्टि गोस्वामी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल स्टार्ट जेल टूरिज्म इन द स्टेट फ्रॉम येरावड़ा प्रिजन ऑन 26 जनवरी 2021। तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा और इज इट डी पंजाब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टू न्यू स्पीशीज ऑफ अ रेयर आंट जेनस ओसारिया हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी हरियाणा और इज इट डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, मीन्स तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द BSF हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन सर्द हवा ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ विच स्टेट। तो आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात और इज इट डी राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर गोपी चंद नारंग, बी डॉक्टर अविनाश दीक्षित, सी डॉक्टर रंजेंद्र कुमार भंडारी और इज इट डी डॉक्टर प्रभात पटनायक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन
जुबली स्टेटहुड डे ऑन 25 जनवरी 2021। तो आपके ऑप्शंस है ए गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ न्यू स्कीम कॉल्ड एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम हैज बीन इनिशिएटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस है ए गुजरात, बी बिहार, सी झारखंड और इज डी राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 7 और इज डी 8। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट। तो आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान और इज डी मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव टू एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप। ऑप्शंस है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और इज डी उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच फिल्म वन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट द 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट इज IFFI। तो आपके ऑप्शन है ए ब्लैक स्वैन, बी चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न, सी इनटू द डार्कनेस और इज डी प्लेबैक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्पेसएक्स क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट। तो आपके ऑप्शन है ए 130, बी 133, सी 104 और इज डी 143। So the correct answer is option D 143. Next question hai, recently who has laid the foundation stone of the Jallianwala Bagh Centenary Memorial Park at Amritsar. To aapke options hai A Amit Shah, B Amrinder Singh, C Narendra Modi aur is D Harsimrat Kaur Badal. So the correct answer is option B Amrinder. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर 2021। तो आपके ऑप्शन है ए 130, बी 137, सी 127 और इज इट डी 119। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द मोबाइल एक्शन गेम फौजी। तो आपके ऑप्शन है ए आमिर खान, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार और इज डी सलमान खान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी ऑन देयर प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शंस। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया इन्फोलाइन, बी एंजल ब्रोकिंग, सी 5paisa.com और इज डी ज़ेरोधा। So the correct answer is option C 5paisa.com. Next question है, recently the President of India has approved the conferment of Jeevan Raksha Padak series of awards 2020 on how many persons? तो आपके options है A 20, B 30, C 40 और is it D 10? So the correct answer is option C 40. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन डिसेंट टू होल्ड द पोस्ट डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर फॉर शिकागो बेयर्स। तो आपके ऑप्शंस है ए चार्ल्स मुखर्जी, बी सेन देसाई, सी क्रिस टैबर और डी जे रॉजर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेन देसाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी स्कूल्स लॉन्च्ड एमईएस सुबोधवानी वेब रेडियो? तो आपके ऑप्शंस है ए नागपुर, बी पुणे, सी नासिक और इज इट डी मुंबई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टेलीकॉम कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ द 5G नेटवर्क? तो आपके ऑप्शन है ए BSNL, बी एयरटेल, सी रिलायंस जी और इज इट डी वी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ वेस्ट बेंगाल चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑन अ बोर्ड हैज बीन लॉन्च्ड? तो आपके ऑप्शन है ए दुर्गापुर, बी हल्दिया, सी कोलकाता और इज इट डी आसानसोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दैट इज CPI 2020? तो आपके ऑप्शन है ए 86, बी 67, सी 89 और इज इट डी 78। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द W ऑफ विच स्टेट हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2021? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी असम, सी उत्तर प्रदेश और इज इट डी उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली MI इंडिया हैज अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव हैशटैग शिक्षा हर हाथ इन कोलैबोरेशन विद होम? तो आपके ऑप्शन है ए प्रकाश राज, बी रणवीर सिंह, सी सोनू सूद और इज इट डी अरबाज खान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकेम द फास्टेस्ट कंट्री टू रीच 1 मिलियन वैक्सीनेशन इन द फर्स्ट 6 days? तो आपके ऑप्शन है ए USA, बी चाइना, सी स्पेन और इज इट डी इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिया। तो ये थे जनवरी 2021 के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।